जोर से क्या बात, वेरी गुड। बस बस बस, मैंने वो चेहरे नोट कर लिए हैं जो हाथ होने के बावजूद तालियां नहीं बजा रहे थे। कदीर आजाद, वेलकम टू अस्कम ऑन एयर, प्रेजेंट बाय जैज कैश। अगर आप खैरियत से हैं तो छोटी सी ताली और बजाइए। भाई वाह, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हर मानू में एक वेटरन है, आबे हयात पिया हुआ है इन्होंने, 20 साल से मॉडलिंग कर रही है मगर खुद 21 साल की लगती है, एक सुपर मॉडल भी है, एक बेहतरीन एक्टर भी है, कल थी हिट और सुपर हिट है आजकल, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनीता मार्चा। वेलकम सुनीता, प्लीज बैठने से पहले, बैठने से पहले अस्सलाम वालेकुम। हो गया बेटा, सांसें संभाल लो। बैठने से पहले शो की एक ट्रेडिशन है, रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है, आप क्या सुनाएंगे? मैं भी शेर सुना दूंगी। फिर हो जाए, ठीक है, तैयार है सब शेर सुनने के लिए? ठीक है, तो फिर शेर सुने। सुन रहे हैं ना? शेर सुने, मुझे नहीं आता किसी और से सुने। एक और है। इसी जमीन में एक और शेर। हाँ, एक और शेर है। ये फूल किसने तोड़ा? ये फूल किसने तोड़ा? तेरी नाक है पकौड़ा। फूल किसने तोड़ा? तेरी नाक है पकौड़ा। मैं इसके आगे और शेर नहीं सुनना चाहता। मैंने आपकी तरफ नहीं देखा। हाँ, ये नाक पकौड़ा है नहीं। प्लीज पुट हैव अ सीट, तालियां बजनी चाहिए सुनीता के लिए। तो ये पहली बात पहले ही कर दूं, आप इतनी अच्छी मॉडल हैं, इतनी चार्मिंग हैं, इतनी खूबसूरत हैं, इतनी लंबी हैं, एक सेकेंड और क्या था, इतनी एक... क्या लिख के दिया ये आपने? ये क्या लिख के दिया? मैंने लिख कर दिया। क्या लिखे? प्यारी। हाँ, इतनी प्यारी हैं। वो तो आप बोल चुके थे। राइटिंग समझ में नहीं आ रही ना। कैसी है सुनीता, अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल। कहाँ रह गई थी? इतने सालों से आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आप आ जाए, आप आ जाए, मुल्क में नहीं शो में। आपका नाम इतना खतरनाक है ना कि अगर मुल्क में आ गई तो मसला है। हाँ, ये तो है, मार्शल लॉ ना। ये करते हैं मजाक आपसे सरनेम का लोग अक्सर, कि मार्शल लॉ लग गया, घर की तो लॉ आप ही का चलता होगा, इस तरह के ठंडे झुकते करते हैं जी। तो फिर घर पे लॉ किसका चलता है? वो अमूमन औरतों का ही चलता है। तो खवातीन का चलता है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि घर पे खवातीन का लॉ क्यों चलता है? ऐसा क्या करती हैं खवातीन के मर्द की कोई औकात नहीं रहती घर पे? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर मेरा ख्याल है औरतें जो हैं वो डिसीजंस और घर के मामलात ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। मल्टीटास्किंग भी बहुत मल्टीटास्किंग कर सकती हैं और इमोशनली भी बड़ी स्ट्रांग होती हैं। मेरे यहाँ थोड़ा उल्टा है, मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ, हसन ज़्यादा। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल ऐसे आम अंदाज से पूछा नहीं जा सकता, इसके लिए मुझे अवतार लेना पड़ता है हमारे एक और मशहूर होस्ट सोहेल वराइच का, क्योंकि सवाल ही उस ज़मीन में लिखा हुआ है। तो सवाल कुछ इस तरह का है कि बचपन में टीचर बनना चाहती थी, फिर डॉक्टरी का शौक हुआ और बिल आखिर बिजनेस करने की ठान ली, फिर क्या वजह बनी कि मॉडलिंग की तरफ आ गई? क्या ये खुला तजाद नहीं? देखें, टीचर जो है, जब बच्चे छोटे होते हैं वो सबका ख्वाब होता है वो भी बड़े होकर टीचर बनेंगे। हाँ, ताकि एग्जाम ना देने पड़े, फैंटेसाइज करते हैं ना अपने टीचर्स को। डॉक्टर का तो मेरा कभी भी नहीं था ये, थोड़ी अब हमने लिख दिया है तो आपको था, आप लोग ने लिखा है ना, मैंने थोड़ी लिख कर। प्लीज अब आप एडजस्ट करें। अच्छा चले, एडजस्ट कर लिया, थोड़े अरसे के लिए हुआ होगा। आप एयर होस्टेस बनना चाहती थी? हाँ जी। वो नहीं लिखा हमने, देखे। हाँ। कवर हो गया। अच्छा, उसके बाद बिजनेस का ये था कि जाहिर सी बात है जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो मैंने सोचा, उस टाइम पे MBA का बड़ा नया नया, सारी बात है, नाम में मार्शल लगा है, बिजनेस तो करना होगा। फिर बस हालात ऐसे हुए कि जॉब करने की जरूरत पड़ी तो एयर होस्टेस के लिए अप्लाई किया, वो फौरन ही सिलेक्शन हो गई। लेकिन जब मैं गई फर्स्ट डे तो वो जो ट्रेनर थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने सबको इतना डांटा, मुझे भी डांटा किसी बात पे, वो मैंने यस के बजाय या बोल दिया था। हाँ, तो वो उन्होंने मुझे बहुत डांटा उस पर, तो बस फिर वो मैं अगले दिन छोड़ के आई। सही किया उन्होंने, बताया कि हमारे यहाँ अगर आप जहाज में, हमारे ऐसे थरारती लोग जा रहे होते हैं, अगर उनको हल्की सी भी इनफॉर्मल हिंट मिल जाए, बिल्कुल, अरे इसने मुझे या बोला, इसका नंबर ले लेता हूँ मैं, ऐसा होता है ना यहाँ पर। अच्छा, हमारे यहाँ तो PIA की तो खास ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोगों ने सख्त रखना है मुँह, और PIA में ऐसा होता है कि सारी उर्दू बोलती होती हैं तो उनसे हमारे यहाँ जो है वो कॉन्वर्सेशन भी ज़्यादा करते हैं लोग।
बाहर की एयरलाइन में इंग्लिश बोल रही होती है तो हमारे यहाँ सिर्फ सिलेबल से बात करते हैं, हेलो वाटर वाटर टी टी करते रहते हैं। वो डांट भी देती हैं, डांट भी देती हैं, सॉरी सख्त होती है ना डांट। हाँ आप बोलो मुझे खाना चाहिए, पेट देखा है आपने अपना, खाना चाहिए। मेरे साथ हो चुका है बहुत पहले, एक दफ़ा मैं PIA में ट्रैवल कर रही थी और वो ना बड़ा वाला जहाज था पता नहीं कौन सा, जिसके बीच में 5 सीट्स थी। जी समझ गया, बोइंग। तो मैं वो बीच वाली में बैठी हुई थी तो एक एयर हॉस्टेस वहाँ से आई, एक वहाँ से आई, 2 सीट्स को उन्होंने खाना दिया, 2 सीट्स को इन्होंने खाना दिया, मैं बीच में रह गई। अब मैं देख रही हूँ मुझे कौन खाना देगा। तो अब जब वो आगे निकल गई मैंने कहा एक्सक्यूज मी मेरा खाना, तो उन्होंने कहा ट्रे तो खुली रखे, मैंने कहा खुली भी तो है। बीच में बैठी रहती हैं, पता नहीं बीच में नहीं बैठते। नहीं उन्होंने उसको कहा कि तुम खाना दो, उसने आगे से उनको कहा नहीं तुम खाना दो। कराची की सिचुएशन हो गई। तो खैर ये भी होता है। सुनीता ऐसा है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, बहुत दूर दूर, मैं भी संडे का दिन था लाहौर घूमने आए, इत्तेफाक से यहाँ आ गए, मैं भी, आप भी बहुत दूर लाहौर घूमने आए। इनके पास सवाल आते हैं, ये आपसे पूछना चाहते हैं, मैं इनसे आपको डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर सर क्या करते हैं आप? मैं एक लॉयर हूं सर। आप लॉयर हैं सर? यस। वेरी नाइस। किस किस्म का लॉ करते हैं आप सर प्रैक्टिस? हर तरह के केसेस। हर तरह के? जी। फिर तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट में रहूँगा। जी श्योर। सर कोई सवाल? मैम रिसेंटली आपका एक सीरियल ऑनलाइन था और एंड हुआ है, उसमें आपने वेरी हम्बल एंड बहुत नाइस वुमन का रोल अदा किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है आपका वैसे ही है या वहाँ डिफरेंट है बिल्कुल उससे? हम्बल और बेबी बाजी की बात कर रहे हैं। बेबी बाजी, बेबी बाजी काफ़ी लोगों ने देखा है, यहाँ वैसे काफ़ी लोगों ने देखा है। सो जी बिल्कुल आपने सही कहा, काफ़ी मेरा हम्बल कैरेक्टर था उसमें, उसमें थोड़ी ज़्यादा ही मासूम मेरा ख्याल है बनाया हुआ है। रियल में हूँ मासूम लेकिन थोड़ी सी कम। कैरेक्टर तो कैरेक्टर है ना, आप परफॉर्म, इसका मतलब है मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपको लगा कि मैं वाकई मासूम। बहुत बहुत नाइस था, बहुत। मैं समझ रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? उमर जमान खान। क्या करते हैं सर? इमिग्रेशन लॉयर हूँ जी, स्कॉटलैंड ग्लासगो UK से। और पाकिस्तान मेरा होमलैंड है, मेरा नेटिव कंट्री है। आप वापस आए हुए हैं आजकल? आजकल जी। अकेले आए? विद फैमिली जी। नहीं तो आप क्या इमिग्रेशन में, वहाँ पर इमिग्रेशन में काम करते हैं? इमिग्रेशन में मेरी प्रैक्टिस है, फ्रॉम स्टडी वीजा टू इमिग्रेशन, डिफरेंट कैटेगरीज काम के हैं। काम के, हम सब के काम के, काम के। दिल तो पाकिस्तान में ही धड़कता है ना जी, हम सब क्यों बाहर आप बेहोश रहते हैं। एक बैग में आते हैं पाकिस्तान, बैग में पाकिस्तान में खोले फिर सांस। अच्छा सर अब इससे पहले के बाद आगे बढ़ जाए और आपका एक और कस्टमर यहाँ बन जाए, आप सवाल। आप दुबई में बॉर्न हुई एज पर योर बायोग्राफी, और उसमें फिर 2 डिफरेंट रिलीजन्स की आपस में शादी हुई, मायूस तो नहीं हुई या ऐसा तो नहीं लगा कि ये गलत हुआ सब कुछ? नहीं पाकिस्तान आ गई तो आपको इस पर अफसोस, दुबई में पैदा हुई फिर पाकिस्तान आ गई? तो मैं बहुत छोटी थी जब पूरी फैमिली वापस आ गई। अगर आप बड़ी होती तो आती? ये तो मुझे नहीं पता लेकिन शायद उस टाइम पर ना आती, क्योंकि अगर आपने जवानी उधर गुजार ली तो फिर एडजस्ट करना किसी और, कोई भी और मुल्क में मुश्किल होता है। अनलेस कि आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। फिर आसान होगा। अब मेरा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान से बाहर जाने का, हालांकि मेरी अपनी पूरी फैमिली अब इंग्लैंड में रहती है। हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत दफा बोला। ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान में जो उन लड़कों को नजर नहीं आ रहा जो बाहर जा रहे हैं, उनके लिए पूछ रहा हूँ? देखिये मेरा बिलीव ये कि इफ यू आर वेल सेटल्ड इन पाकिस्तान तो फिर इससे बेहतर जगह कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है, ये कहना चाह रही हैं? हाँ मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ। लेकिन अगर आप हल्के से भी गरीब हैं, नौकरी पेशा से हैं, फिर थोड़ी तो फॉरन कटे, फिर फॉरन, तो फॉरन फॉरन सर से रब्ता करें। थैंक यू सर आप आए, आप थैंक यू सो मच, तालियों की बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? इश्तियाक सर। इश्तियाक सर क्या करते हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हूँ। आप जी थोड़े से ही पैसे नहीं हैं आप? नहीं नहीं चार परा बाहर पापा वेले। आप वेरी नाइस। तो आप कोई अब वेले पड़े ही हैं तो कोई सवाल ही कर ले। जी बिल्कुल करें। मेरा मैम से सवाल है कि जो भी मॉडल्स होते हैं इतने गुस्से में क्यों होते हैं, जैसे नहाने गए या साबुन लगाया और पानी नहीं आया? ये मैंने देखा है अक्सर मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी फ्लैट फेस्ड होते हैं, एक्सप्रेशन लेस किस्म की वॉक होती है, जैसे उधार लेने आए वापस दो मुझे चले। एक तो ये कि वो डिपेंड करता है कि आपने कपड़े क्या पहने हुए, अगर आपने ब्राइडल जोड़ा पहना हुआ है तो उसके ऊपर तो अच्छा नहीं लगता वो वाला। हाँ, कड़क मुस्कुराहट। हाँ
वो सल्ट्री एक लुक जो होती है ना वो रखते हैं जब आपने जरा प्रेट वेयर पहना हुआ, वो एटीट्यूड अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और अगर मैंने वहाँ आमना आई थी यहाँ पर, तो आमना ने कहा कि अगर ज्यादा एक्सप्रेशन दे रहा हो मॉडल तो उसका लोगों का ध्यान एक्सप्रेशन पे चला जाता है, कपड़ों पे नहीं जाता, कपड़ों पे नहीं जाता, तो इसलिए एक्सप्रेशन। डिजाइनर तो चाहेगा ना कि उनके कपड़े देखें, मॉडल ना देखें। अब आप लोग मॉडल देख रहे हैं, हैंगर पे डाल के क्यों नहीं ले आता है वो यूज करके कि भाई ये कपड़े देखो, ये मॉडल पे क्यों डाल के ला रहे हैं। एक शो हुआ ना सऊदी अरेबिया में, ड्रोन पे, मैंने देखा रुए आ रही थी रुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? असद। असद क्या करते हो तुम? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर, मगर तुम्हारे अंदर मुझे एक सिंगर वाली लुक आ रही है। कैफी खलील भी लग रहा हूँ मैं, और मैं अरिजीत सिंह भी लग रहा हूँ थोड़ा सा। गाते हो? एक्चुअली मैं ऑन एंड ऑफ गाता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। ऑन एंड ऑफ मतलब लाइट आ रही है तो गा लिया, नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? समरा। समरा क्या करती है? मैं एफएससी मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। एफएससी मेडिकल। हाँ। समरा को सवाल पूछोगी? हाँ, मेरा सवाल है आप दोनों से कि आप दोनों ने अभी तक मतलब कोई मूवी नहीं की। चलो ताबिश भाई आपका तो बनता है कि आपके तो बस की बात ही नहीं है ये। तो मतलब इतनी प्यारी है और, लेकिन क्या वजह है कि आपने अभी तक कोई मूवी नहीं की? मेरा तो इसे समझ में आ गया है। मैं इसे समझ में आ चुका हूँ। आप नहीं आई? आप अश्विता क्यों नहीं कर रही मूवी? क्यों? आपकी लास्ट मूवी मेरे ख्याल से 20-21 साल पहले आई थी, शादी की। शादी की 15 साल पहले। उसके बाद से कोई मूवी नहीं आई। मूवी मुझे एक्चुअली जब मैं नई नई आई थी उस वक्त बहुत ऑफर होती थी, लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ी पंजाबी टाइप की मूवीज बनती थी। पंजाबी मूवी ज्यादा बनती। हाँ, मेरे लिए थोड़ा। आपकी शादी की पिक्चर है, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं भाई सब। वाह भाई वाह वाह, ताली होनी चाहिए भाई। बस ये मूवी काफी नहीं है। वाह भाई वाह, ये फोटो बॉम्ब भी हुआ है पीछे। चलो हाँ, तो सुनीता अभी आप मूवी, अब तो इतनी अच्छी मूवीज बन रही हैं। आप जो है ना वो कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल रहा जो कि मैं करना चाहूँ। ठीक है, वो जो मिल रहे हैं वो ऐसे हैं कि मैं नहीं करना चाहूँ। किस किस्म का कैरेक्टर अगर आप करना चाहेंगी, क्या है वो कैरेक्टर जो आप करना चाहती? बहुत सारे हैं, ऑफर नहीं हुए ना। ऑफर नहीं हो रहे। हाँ। लेकिन ख्वाहिश ही है कोई एक। ख्वाहिश है कि अभी भी हीरोइन बनने की ख्वाहिश है? नहीं, कैरेक्टर ही करना। कैरेक्टर एक्टर, यस। चलो अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरीबा। अरीबा क्या करती है? मैं बीकॉम करती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। बीकॉम करती हूँ पंजाब जी। इसके अलावा कुछ करती हूँ? नहीं कुछ। रियली? बीकॉम किया, घर आई सो गई जी। सुबह उठी फिर बीकॉम किया, घर आई सो गई। सेम रूटीन बस। कोई सवाल करोगी आज बीकॉम करती हूँ? मैम इतनी मासूम सी हैं, क्यूट हैं, तो इनको हर रोल मिलता है ड्रामे में पॉजिटिव। हाँ। आप नेगेटिव रोल आपको मिलता नहीं है कि आप करती नहीं है? अभी करने लगी हूँ एक आ रहा है नेगेटिव रोल। वाह भाई वाह। हाँ, उसकी शूटिंग अभी स्टार्ट होगी। अच्छा, मैंने देखा नेगेटिव रोल ज्यादातर या तो सास का होता है या नंद का होता है, आप क्या बन रही हैं? ये डिफरेंट है। सास और नंद दोनों? सास नहीं हूँ, नंद भी नहीं हूँ, भाभी भी नहीं, देवर है आप, क्या है वो? जब आप देखेंगे तो आपके, जब दोबारा शो में आऊंगी ना फिर पूछूंगी कि कैसा लगा। जल्दी आने वाला है ये ड्रामा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी आएगा, देख लेना। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तुम तो देखोगी थोड़ी, तुम तो बीकॉम कर रही होगी, तुम तो बिजी हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं करती अभी, कह रही थी। नहीं, जब सोकर उठेंगी तो देख लेंगी ना रात को। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम शिराज है सर। शिराज क्या करते हैं आप? बैचलर इन फिजिक्स कर रहा हूँ। बैचलर्स इन फिजिक्स कर रहे हैं। कोई सवाल पूछेंगे शिराज? जी बिल्कुल। कैसे मैम? बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल ताबिश सर से है। कर बैठी सवाल। सर मैंने पूछना आपसे ये था कि आप यहाँ पे हंसना मना है, पर लोगों को हंसा रहे हैं, हालांकि मना है, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर में बैठे हों और आपने ऐसी कोई जुगत मारी हो और घर वालों ने कहा हो कि चुप करके बैठ, ये आपका शोर नहीं है? गुड क्वेश्चन। अक्सर उल्टी शिकायत होती है बेगम की, कहती वहाँ तो बहुत हंसा रहे थे लोगों को, यहाँ आके क्यों मनूस हो जाते हो? नहीं हो, लेकिन ये मैं घर पे तो जोक्स करता नहीं हूँ, पैसे नहीं मिल रहे ना इस काम के, वो खर्च हो रहे, तो इसलिए यहीं पे हंसाता हूँ मैं शिराज। ठीक है, मतलब कोई ऐसा वाकया नहीं है घर में कभी आपके साथ ऐसा हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा अपने घर के वाकये? तुम बताओगे मुझे अपने घर के वाकये? मैं अगर पूछूं तुम्हारे घर पे ये हो रहा है वो हो रहा है तो बताओगे? नहीं बताओगे ना यार, जबकि मुझे पता भी है। चलो छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। कहीं मिला
इससे आपको खाना मिल सकता है? खाना मिल सकता है इससे? आप खाना खरीद सकते हैं इससे? अरे हाँ भाई, खरीद सकते हैं खरीद सकते हैं इससे खाना। नहीं तो खाना तो आप पैसे से ही खरीदते हैं ना? नहीं भाई जान, आप मजबूरी से भी कर अल्लाह के नाम पे दे दो खाना। Welcome back to Hasna Mana Hai, presented by Jazz Cash. मेरे साथ मौजूद है सुनीता मार्शल. सुनीता, हम बात कर रहे हैं ऑडियंस से. हमारे साथ मौजूद है निमरा. निमरा, सरप्राइज दूं? क्या करती है निमरा? बैचलर्स. बैचलर किस चीज में कर रही हो? साइकोलॉजी. साइकोलॉजी, वो खतरनाक खाती. सवाल पूछो बेटा. मेरा मैम से क्वेश्चन है कि अगर आप इंडस्ट्री में कोई चेंज लाना चाह रही हैं सिवाय तापी भाई के, तो वो क्या होगा? मेरे बारे में कुछ खतरनाक सुन नहीं सकती लड़की है. हाँ. सिवाय ताबिश भाई के बारे में कुछ नहीं कहिएगा. हाँ. इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री या टॉवल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात. वो ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर रही है. ड्रामा इंडस्ट्री में अगर मैं कोई चेंज लाना चाहूँ, टाइमिंग्स मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है ना, कि टाइम पे शुरू करें, टाइम पे खत्म हो. बहुत सही बात की. लेकिन ये है कि यार हाँ, थोड़ा सा इंडस्ट्री में ये डिसिप्लिन की कमी है. टाइम पे चीजें स्टार्ट नहीं होती, टाइम पे खत्म. तो हंस क्यों रही है इस बात पे? सीधा जवाब दे. सीरियस बात थी ना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है दोस्त? एहसान नाम है. एहसान क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर की. फर्स्ट ईयर अब्रॉड स्टूडेंट्स वगैरह को गाइड करता हूँ. सब बाहर भेज रहे हो तुम लोग? यस. खाली कर दो पाकिस्तान, हर जगह एक ही ड्रेनेज सिस्टम है पाकिस्तान में. सही चल रहा है ब्रेन ड्रेन आजकल. आपको पता है कि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, सब इधर से शार्ट होना. तुम क्यों यहाँ, तुम क्यों पड़े हो यहाँ पे? मैं भी बस आपके सामने ही हूँ. सबको भेज के कुंडी लगा के जाओगे? यस इजी. सवाल सबका फायदा. आपसे एक हमलाना रिक्वेस्ट है. हमलाना रिक्वेस्ट आपसे एक शायराना रिक्वेस्ट है. शायराना. यस. आई जी पंजाब साहब को आपके शो में देखना चाहता हूँ. मेरी सारी देखने में क्या चाहता हूँ. ओए तोड़ी ये तोड़ी फरमाइश दा मैं मान रखती हूँ. मैं कोशिश करूँगा यार. लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर आईजी पंजाब होता और ये हालात होते पाकिस्तान के, ना आते. तो मैं शो में कहता यार मेरे पास ये टाइम थोड़ी है भाई, मैं मुल्क के हालात. वो शायद आ भी जाएं. मैं बुलाऊंगा, कोशिश करूँगा. कई बात करनी चाहिए. जहरी बात है कि भाई उनसे हालात पूछेंगे. आईजी सिंध, आईजी पंजाब, आईजी केपी के सबको बुलाना चाहते हैं. बिल्कुल जरूर. पुलिस के साथ एक शो बनता है हमारा. है जरूर. कब तक वही हमें तलाश करते रहेंगे? बिल्कुल. कभी हम उनको भी तलाश करेंगे. कब तक वही हमारे मुंह सूंघते रहेंगे? सही. चलो अगला. उस कॉन्स्टेबल को ही बुलाएंगे. मगर देखते देखिए आपने वो आजकल जो चल रही है. प्रीता, सुनने में आया है कि आप अभी कॉलेज में ही थी कि आपको शैम्पू का एड मिल गया. जी. तो उसकी क्या वजह थी? बाल गंदे थे या आप उसको भी बहुत क्यों मिल गया थी जल्दी? अच्छे बाल होते हैं तो शैम्पू का ऐड मिलता है. ओके. तो पूरे कॉलेज में सिर्फ आपके बाल अच्छे थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. मैं एक्चुअली साइमा जो ब्यूटिशियन एक होती थी हमारी बड़ी फेमस, उन्होंने पहले मुझे और मेरी बहन को एक शूट करवाया था. ओके. बहुत अच्छा वो शूट आया. फिर उन्होंने ही रेकमेंड किया था एजेंसी को शैम्पू कमर्शियल के लिए. वो कोई लड़की ढूंढ रहे थे. ओके. तो मैं भी गई, मेरी बहन भी गई ऑडिशन के लिए. तो उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी. उसमें आप सिलेक्ट हुई. अच्छा, तो आपने फिर कॉलेज में ही रहेंगे इस बात को और बढ़ाएंगे कॉलेज में. कॉलेज जाते जाते कॉलेज जाना छोड़ दिया. क्यों? क्यों लड़के तंग करते थे? क्या था एक्चुअली? एक्चुअली ये हमारा कौमी खेल है लोगों का. मैं एक्चुअली थी गर्ल्स स्कूल में. ऑल गर्ल्स स्कूल. और फिर अचानक से जब कॉलेज शुरू हुआ तो वो कोएड था. और उसके अंदर लड़के ज्यादा थे, लड़कियां बहुत ही कम थी. तो बहरहाल मैं बहुत परेशान हो जाती थी इतने सारे लड़कों को देख के. हमने तो इसको मजाक में उड़ा दिया, मगर ये एक वाकई में काफी लड़कियों के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है जब लड़के. अब तो पता नहीं कैसा होता, अब तो खैर लड़कियों ने भी काफी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है. वीडियोस बन जाती हैं और वो जमाना ऐसा था कि पकड़ धकड़ भी तो नहीं थी. आजाद घूम रहे होते थे लड़के. पागल हो जाते थे लड़के. जहाँ देखे सीटियां बजा रहे. यार ये बेटा इससे मतलब अगर आपको लगता है कि हम ये करेंगे लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, तो यहाँ मैं सब लड़कियों से सवाल पूछूंगा. सिर्फ लड़कियां शोर करके बताएंगी क्या इन चीजों से आप इंप्रेस होती हैं या नहीं. कोई इंप्रेस नहीं होता कि सीटी बजा दी. सीटी बजाने से कौन लड़की? अरे सीटी बजा दी, पागल हो गई मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ा ही हरकतें नहीं करो. डिसेंट तरीके भी होते हैं. अगर आपको अच्छा लगे उसको अप्रोच करने के, कुछ डिसेंट तरीके भी होते हैं.
अच्छा जब हसन से भी आप फर्स्ट टाइम मिली अपने हस्बैंड से तो मैंने फ्लाइट में मिली आप जहाज में और मैं नहीं मिली उन्होंने देखा था देखा। मैंने नहीं देखा था नोटिस नहीं मैंने नोटिस ही नहीं किया वो बाद में फोन पे फिर बात शुरू हुई थी फोन पे बात शुरू मैंने सुना 3 महीने बाद इस टेक्सटिंग और कॉल्स के बाद मुलाकात हुई जी तो जो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है मैं तो बल्कि 6 महीने बाद मुलाकात हुई थी अच्छा तो हसन से नहीं अपने अपने मामला जी जी हसन ही समझ रहे हो सब तो जब आपकी मुलाकात हुई तो एक हम टेक्स्ट से एक इमेज बना लेते हैं जी तस्वीर मैंने तस्वीर भी नहीं देखी थी मैंने भी नहीं देखी आपने भी नहीं देखी थी टेक्स्ट से एक इमेज बना लेते ऐसा होगा ये होगा हाँ। जब वो असली मिले तो वो इस इमेज के कितने करीब थे करीब नहीं थे करीब नहीं थे दूर दूर थे दूर इन अ सेंस क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम हसन को देखा तो हसन उस टाइम पे बहुत मोटे थे ठीक है ठीक है मगर टेक्स्ट पतले पतले आ रहे थे स्लिम टेक्स्ट आ रहे थे बहुत मोटे भी थे बहुत लंबे थे हाँ। तो वो जब गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने इतना सारा हसन तो हाँ वो एक हाँ। मगर शक्ल सूरत अच्छी थी उसके बाद उनको शौक भी चढ़ा पतले होने का तो उन्होंने काफी अपना वेट लूज किया टेक्स्ट के हिसाब से हो गए इस तरह का मैसेज इस तरह के हिसाब से हो गए वेरी गुड और माशाल्लाह आपका कपल बहुत बहुत प्यारा लगता है भाई थैंक यू अब वक्त आया है सुनीता के आपके साथ एक गेम खेला जाए गेम का नाम है नजरबंद Okay. नजरबंद इसमें होगा ये कि एक आपको ब्लाइंड फोल्ड आप पहनेंगी खुद से okay. स्क्रीन पर एक चीज कोई शख्सियत हो सकती है कोई चीज हो सकती है कोई जानवर हो सकता है कोई लफ्ज हो सकता है okay. आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करना है कि ये चीज क्या है तो खेलते हैं नजरबंद दिस सेगमेंट इज प्रेजेंटेड बाय जैस कैश देखते हैं पहला आइटम क्या है वाह वाह भाई जान आ गई है तस्वीर मतलब इंसान है नहीं इंसान नहीं जानवर जानवर भी जानवर भी नहीं है इंसान के इस्तेमाल की है जानवर इसमें होता है अक्सर इंसान के इस्तेमाल की चीज है और उसमें कभी कभार जानवर कभी कभार क्या अक्सर ही जानवर है इसमें जानवर होता है इसका मतलब चीज है कोई चीज है चीज है ओके कोई ड्रिंक है नहीं ड्रिंक ओके कोई गाने सुनने वाले कोई नहीं नहीं कोई पैदा हो तो ये है मरे तो ये है पैदा हो तो ये है मरे मरे तो ये है ये है वो ये वहां है ये वहां है डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं क्या है ये कोई खाने वाली चीज है खाने वाली तो इसको तो नहीं खा सकते मगर खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है इसको जब खा ही नहीं सकते तो खाने के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकती है भाई जान एक सेकंड आप अपने हाथ खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं मगर खाती नहीं है चमचा चमचा नहीं चमचे से थोड़ा सा बड़ा कांटा छुरी अरे इनसे बाहर बड़ा सोचे बड़ा सोचे बड़ा चमचा सोच खाना पकाने वाला बड़ा चमचा चमचा भी इसमें इस्तेमाल होता है चले बहुत करीब आप पहुंच चुकी हैं स्टोर में पहुंच चुकी हैं अब आपने आइटम उठा रहे हैं चिमटा ये घरों में नहीं होता ज्यादातर घरों में नहीं होता घरों में अगर है तो क्यों है वो तो नहीं है जिससे लस्सी बनाते हैं वो नहीं वो नहीं वो मुझे उसका नाम खुद नहीं पता दोई दोई मुझे नहीं अच्छा फिर अच्छा, क्या इसके अंदर जो चीज बनती है हाँ? वो कराची में ज्यादा अच्छी होती है लाहौर में थोड़ी कम अच्छी होती है पाए पाए तो यहाँ मशहूर है क्या चीज ऐसी है जो कराची में मशहूर है यहाँ नहीं मशहूर बिरयानी बिरयानी हाँ तो बिरयानी तो आप हाथ से भी खाते बिरयानी अब मैं घर पहुंचा देता हूँ बिरयानी किस में बनती है देगची में पतीले में बड़ा सोचे बड़ा देग यस अल्लाह जी ये मुश्किल था चलो भाई तस्वीर लगाओ ओए क्या लग गया ये क्या लग गया क्यों लगाई ये सुनीता चीज आ चुकी चीज है अच्छा चीज है ओके खाने वाली चीज है खाना और खिलाना दोनों कर सकती है खाना और खिलाना पैसे तो नहीं है पैसे तो नहीं है ये लेकिन लेकिन करीब करीब हो है करीब करीब है हाँ पैसे तो नहीं है लेकिन इस्तेमाल करने से पहले बड़ी एक्साइटमेंट होती है ओहो ये करूंगा करने के बाद मायूसी हो जाती है ये क्या कर लिया इससे आपको खाना मिल सकता है खाना मिल सकता है इससे आप खाना खरीद सकते हैं इससे अरे हाँ भाई खरीद सकते हैं खरीद सकते हैं इससे खाना
नहीं तो खाना तो आप पैसे से ही खरीदते हैं ना। नहीं भाई जान, आप मजबूरी से भी कर अल्लाह के नाम पे दे दो खाना। या फिर आप बंदूक से भी ले सकते खाना दे। कहाँ इस्तेमाल होता है? तकरीबन मुझे नहीं पता, हर जगह इस्तेमाल होता है। हर मुल्क में इस्तेमाल? हर मुल्क में, मुल्को मुल्क चल रही है, जहाँ आप चाहें जितना कोई बर्तन चाहें। तो नहीं है ये? ऐसी चीज है कि आपकी जेबों को हल्का कर देती है, हल्की हो जाती है आपकी जेबें इसको लेने के बाद। मतलब बहुत बहुत महंगी कोई चीज है? ये डिपेंड करता है कि आपने इसमें इनपुट कितना डाला हुआ है। Oh, मेरे जैसा गरीब आदमी है उसका तो महंगा नहीं होगा इतना, आपका बहुत होगा। दस्तरखान? ये ऐसी चीज है जो मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट? नहीं, मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं, अक्सर दोनों एक ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें पिन भी डलती है। स्टेपलर? अच्छा मैं दोबारा आपको एक हिंट, पैसों से ताल्लुक है इसका। ओके okay. और प्लास्टिक से बड़ा ताल्लुक है इसका। इसको पैसों का एक अल्टरनेट कहा जाता है। तो प्लास्टिक करेंसी जो होती है? हाँ, क्या क्या आता है उसमें? वो जो क्रिप्टो वाले? नहीं, वो तो प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं है ना, वो तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। प्लास्टिक करेंसी कौन सी है जो वॉलेट में आ जाए और डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड इज द राइट आंसर। उतार लो ब्लाइंड। अब उतार ले जैस कैश डेबिट कार्ड था हमारा प्रोडक्ट। जैस कैश है ना, हर चीज आसान है, खाना भी इससे आ रहा है। लेकिन ये डेबिट कार्ड है तो चादर देख के पंप फैलानी है। ये नहीं कि जेब में रखे 1500 खर्च कर दिया 18000, ऐसा नहीं होगा। जितने हैं उतने ही, जितने ही तो डेबिट का मसला है। अब आपका जो भी मसला हो, गन पॉइंट पर कोई बंदा खड़ा हो, आपने कहना है जैस कैश है ना, उसको दे दो। अब वो इस्तेमाल और मैं क्या करूंगा? मैं ब्रेक लूँ, हवा दिन होता वक्त छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसता मनाए कहीं नहीं खा लीजिए। पाँच मिनट चाहिए ना, तो चाहिए रोते हुए। अगर मुझे नाश्ते में पाँच मिनट चाहिए तो चाहिए। वेरी नाइस, रोमांटिक अंदाज में, जल्दी जल्दी। अगर मुझे नाश्ते में पाँच अंडे चाहिए ना तो चाहिए। मुझे भी चाहिए पाँच अंडे। रोको रोको। मुझे अक्सर जो इंडस्ट्री से लोग आते हैं शादी के बारे में पूछते हुए एक ऑकवर्ड हो जाता हूँ, पता नहीं है नहीं है, छुपाई भी है कि नहीं छुपाई भी, यू नो, एक टेंशन हो जाती है। आप माशाल्लाह 15 इंडस्ट्री में भी हैं, 15 साल से भी शादी है और इंटर रिलीजन मैरिज भी, काफ़ी इसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, मगर एक माशाल्लाह कामयाब शादी है और आप लोग मशवरे भी करते हैं। तो जो एक रिवाज चल पड़ा है कि कहते हैं कि जी शादी हो रही है तो लड़की कहती है कि नहीं जी मैं तो वही करूँगी जो मेरी ओरिजिनल सेल्फ है, मर्द भी कहता है मैं क्यों तुमसे रुकूँ। आजकल ये काफ़ी, आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल डिसीजंस जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं इस शादी के इंस्टीट्यूशन? वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं होती है ना, मैं ख़त्म करनी होती है, तो शादी तो फिर इसी तरह चलती है। अगर दोनों की ईगो स्ट्रांग होगी फिर वो शादियां नहीं लंबी चलती। सारी बात है टीम वर्क है इसमें, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस। और सिर्फ मियां बीवी नहीं, फैमिलीज भी आपस में, हाँ, सासें नंदे सबको सुन लो। अब ऐसा है, वक्त आ चुका है बचाने का। इस गेम का नाम है बचाओ। इसे गिफ्टिंग पार्टनर्स है फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है। आप कैसा भी खेलेंगे आपके साथ ही जाएगा, ये हमारी मजबूरी सी है, वरना मैं अक्सर ले जाने की कोशिश करता हूँ। पुनीता, गेम में होगा ये कि आपके दिल की कोई करीब शख्सियत जो है वो एक छोटी सी मुसीबत में फंसे हैं, आपने कुछ सवालों के जवाब एक मिनट के अंदर देने हैं। अगर आपने दे दिए तो वो बच जाएंगे और अगर आपने नहीं दिए तो मजीद मुश्किल में फंस जाएंगे। okay. होता ये है कि जब वक्त करीब आने लगता है तो ये जो शरारती अनासर बैठे हैं इधर, मगर जरूरी है बचाना उनको। अब आप देख के बता लीजिएगा, आप बचाना चाहें तो बचाइएगा, मत बचाइएगा वरना। ये लोग शोर शुरू कर देते हैं जब 15 सेकंड रह जाते हैं ना, तो उस सवाल के जवाब देने मुश्किल होती है। Okay. मगर आप कर लेंगे, आप फोकस्ड खातून है तो इस okay. गेम का नाम है बचाओ। खेलते हैं बचाओ, दिखाइए कौन है मुसीबत में भाई। हसन ना सिर्फ मुसीबत में बल्कि गुस्से में भी। पहला सवाल सुनीता, रेडी हैं आप? इनसे अक्सर लोग पूछते हैं आपके हमेशा हर वक्त गुस्से में रहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स नेगेटिव होते हैं ना, तो लोग अक्सर आके मुझसे पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या रियल में भी ऐसे?
तो है नहीं वैसे नहीं स्वीट से आ रहे ठीक पहला सवाल ऐसी पांच चीजें जो नेक पर पहनी जाती हैं टाई हाँ चेन चेन अब डिफरेंट चेन गोल्ड की चेन नहीं ये नहीं वो चेन के आगे चले सुख चेन टाई चेन कॉलर कॉलर चोकर चोकर एक और परफ्यूम परफ्यूम गर्दन में पहनी जाती है चलो बंद करो अगला सवाल ये जुमला जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपने पांच मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में कहना है ठीक है मैं बताऊंगा कौन कौन से एक्सप्रेशंस जुमला है मुझे नाश्ते में पांच अंडे चाहिए तो चाहिए खुशी के एक्सप्रेशन में बताएं अगर मुझे नाश्ते में पांच अंडे चाहिए तो चाहिए ठीक डरे वेरी गुड बस डर के अगर मुझे नाश्ते में पांच अंडे चाहिए ना तो चाहिए ठीक रोते हुए अगर मुझे नाश्ते में पांच अंडे चाहिए तो चाहिए वेरी गुड रोमांटिक अंदाज में जल्दी जल्दी अगर मुझे नाश्ते में पांच अंडे चाहिए ना तो चाहिए मुझे भी चाहिए पांच अंडे रोको रोको आखिरी वैसे एक रह गया था मगर मैंने इतना अच्छा आपने किया कि मैंने रोक लिया वो थैंक यू ऐसे आठ लफ्ज जिनमें बे आता हो शुरू में बे नाम भी हो सकते हैं नाम ही लफ्ज हाँ नाम भी लफ्ज ही होते हैं बताइए बे बे से स्टार्ट होते हैं बे बनीता बनीता बनाना हाँ बे उर्दू में बताएं बे, बे, बे मतलब बे बूम हो गया ज्यादा अफसोस भी नहीं हो रहा क्योंकि ऐसा है सुनिता वेल प्लेड आपके साथ ये कैंपस जाएगा इस पे हाथ लगा दे प्लीज थैंक यू मैं आपको गाड़ी में रखवा देता हूँ हम शुरू में बात कर रहे थे कि मैंने भी एक रैंप वॉक की है बल्कि मैं शो स्टॉपर टाइप चीज था मुझे पता भी नहीं था ये होता क्या अभी जो BCW हुआ ना उसमें मैं शो स्टॉपर और मुझे किस डिजाइनर के लिए हुमायूं के लिए हुमायूं आलमगीर के लिए अच्छा तो उन्होंने कर दिया आपको ऑफर भाईजान हाँ अच्छा। मैं शो स्टॉपर था मैं समझा मैंने हंगामा करना है वहां जाके चीजें फोड़ दूंगा शो स्टॉप हो जाएगा उनका नहीं तुम आखिर में जाओगे अकेले चलते हुए अब मुझे आप मुझे तो आते लगा नहीं मुझे किस बात का उन्होंने जाना है आने मैं गया मैं आ गया लेकिन मुझे ये बताएं सुनीता आप क्योंकि एक सुपर मॉडल ये देखो ये लड़का आ रहा है ये आ रहा है अच्छा ओ नाइस तो इतना मुस्कुरा क्यों रहे वही तो पता नहीं था ना और लोग इतनी तालियां बजा रहे थे शोर कर रहे थे मैंने कहा सब मुझे चाहते होंगे मैं पपियां भी दी अच्छा मुझे ये बताएं ना छोड़े ना आप इतनी सुपर मॉडल ले चुकी हैं मुझे ये बताएं मुझे टिप्स दें मुझे आप मॉडल बनाएं तो आपने की है मतलब आप मुझे पहले चल के तो उसमें तो पता कोई सेकेंड हैंड गाड़ियों पर पहले चला के चेक करेंगी आप मुझे मैं कर लूँगा ठीक है यूं आ जाऊं मैं आपके सामने आता हूं ताकि आपको पता रहे ये तो मुझे वो अपना जमाना कॉलेज वाला याद आ गया जब वो छिछोरे लड़के अच्छा छिछोरे लड़कों को क्या होता है कि चाल चेंज जाती है अबे आप नॉर्मल जा रहे होंगे लड़के बैठे ना सारे नॉर्मल जा रहे होते हैं क्या है क्या है यूं जा रही जैसे किसी और अबे लड़की आ रही है अच्छा म्यूजिक चला रहे एक वॉक मैं करूंगा एक वॉक आप करके दिखाएंगी पहले मैं करूंगा मेरी अजीम वॉक वॉक ऑफ फेम चलो प्रोफेशनल कैसे होते हैं वो देखें तो कंधा भी टूट गया है नहीं वैसे बुरा नहीं किया बुरा नहीं किया थोड़े से एक्सप्रेशंस पे वर्क करना पड़ेगा छुपा के आऊंगा आज का हंसना मनाया यहीं इख्तिताम को पहुंचता है मेरे साथ मौजूद है सुनीता मार्शल सुनीता बहुत मजा आया थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए आज की जो कमाल की बात है वो है वक्त के बारे में हम अक्सर जो है वो जब हमें कोई टाइम दिया जाता है फॉर एग्जांपल हमें किसी ने कहा भाई आप आएंगे 12 बजे तो हम अक्सर ये समझते हैं कि 12 बजे हमें घर से निकलना है ऐसा नहीं होना चाहिए 12 बजे अगर आपको कोई टाइम दे तो आप ये सोच कर निकलें कि रास्ते में रश भी हो सकता है चेक कर लें गूगल पे कि रश है कि नहीं है मगर ट्राई एंड बी ऑन टाइम क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट एहतराम इज्जत टाइम की जाती है दुनिया भर में इसलिए वो हमसे आगे हैं क्योंकि वो वक्त से पहले काम कर चुके हैं और हम हमेशा ही लेट रह जाते हैं क्योंकि हम वक्त की कदर नहीं करते इस वक्त आपकी घड़ियों में तकरीबन 12 बजने वाले सुनीता आप 12 बजे क्या करती हैं रात के सो जाती आप भी सो जाती
ये सब तो पूरी इंडस्ट्री के बारे में मशहूर है कि पूरी रात पार्टियां करते रहते हैं, अयाशियां करते रहते हैं, मगर जिससे पूछो वो सो जाता है। ये सब बातें हैं, ये पता नहीं किसने हब कोई अयाशी नहीं हो रही इंडस्ट्री में। नहीं नहीं, वीकेंड पे अगर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है दैट्स डिफरेंट। ये मैं ये सोचकर इंडस्ट्री में आया था कि यहाँ अयाशियां होंगी, जब मैं आया हूँ सब शरीफ हुए। आपके अरमानों पे पानी फिर चुका है। कवती नौजरात, आप भी सो जाए, सुबह उठे, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए खैर का बायस बने। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।